Welcome to KARM&CO Education, Strive to Excellence. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिया कश्यप. KARM&CO एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है. आज हम डिस्कस करने वाले हैं 22 जुलाई 2020 से लिए गए इम्पोर्टेंट MCQs. सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आप लोगों से कल पूछा गया था. क्वेश्चन था, फीफा ने घोषणा की है कि 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा. ऑप्शन थे कतर, इसराइल, रूस या जापान. जो इसका करेक्ट आंसर था वो था ए, कतर. कतर में जो है फीफा ने घोषणा किया कि कतर 2022 विश्व कप जो है कतर में आयोजित किया जाएगा. इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं. डिटेल से फीफा ने घोषणा की कि 2022 विश्व कप जो है कतर में आयोजित किया जाएगा और फीफा ने मैचों की जो अनुसूची है वो भी जारी कर दी है. और 2022 का जो फीफा विश्व कप है अरब में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप होगा और यह है जो है मुस्लिम बहुल में देखा जाए तो वहाँ पर भी ये पहला ही विश्व कप है. और विश्व कप जो है 32 टीमों को शामिल करने वाला और ये जो है अंतिम टूर्नामेंट होगा. जो ये 32 टीमों को शामिल करने वाला जो विश्व कप है ये अंतिम टूर्नामेंट होगा क्योंकि 2026 में जो है टूर्नामेंट की जो टीमों की संख्या है वो 48 की जाएगी. और यह है टूर्नामेंट जो है अभी नवंबर और दिसंबर में किया जाएगा. इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा दक्षता के बढ़ाने को और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने किस शहर के चैम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी मींस इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का की जो है उद्घाटन किया है. ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, जयपुर या कानपुर. जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ए, दिल्ली. एक बार डिटेल सीख लेते हैं. डिटेल से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने दिल्ली के चैम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा की जो है उद्घाटन किया है. और यह जो पांच चार्जिंग पॉइंट्स के साथ प्लाजा में जो है ऐसी और अधिक सुविधाएं शुरू करने की जो है उम्मीद है. और यह शुरुआत जो है ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो को सपोर्ट करने के लिए एक प्रयास किया गया है और जिसकी देश में जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को जो है तुरंत ज़रूरत है. देखा जाए तो देश में जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो है काफ़ी ज़रूरत है. इसी के साथ एक बार मैप में जो डालेंगे, मैप में जैसे कि देख पाएंगे दिल्ली आप देख पा रहे हैं जो कि भारत में यहाँ पर स्थित है. और जो ये यूनियन टेरिटरी बना था वो 1956 में बना था. जो कैपिटल है इसकी वो है न्यू दिल्ली जो कि यहाँ पर स्थित है. जो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के मिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं. और जो जैसे कि देख पाएंगे दिल्ली अपना जो बॉर्डर शेयर करता है थ्री साइड से देखा जाए तो ये जो है इसको हरियाणा कवर करता है दिल्ली को. और इस साइड से देखा जाए तो ये यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश इसे कवर करता है. इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का हाल ही में 85 इयर्स की आयु में जो है इनका निधन हो गया है. ऑप्शन है लालजी टंडन, आनंदीबेन पटेल, जयराम दास, दौलत राम या अनिल बैजल. जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ए, लालजी टंडन. एक बार डिटेल्स डिस्कस करेंगे. डिटेल से मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे और उनका जो इलाज है लखनऊ में ही चल रहा था. उनकी अनुपस्थिति में जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त दायित्व जो है अभी सौंप दिया गया है. और लालजी टंडन का जो जन्म है वो 12 अप्रैल 1935 में हुआ था. और अपने शुरुआती जीवन में ही लालजी टंडन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे. लालजी टंडन का जो साल 2018 में बिहार का गवर्नर बनाया गया था और उन्हें जो है इसके बाद जो है 2019 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था. इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में किस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला लिया है. ऑप्शन है महिला T20 विश्व कप, मेंस T20 विश्व जो है वर्ल्ड कप, IPL या अंडर 19 वर्ल्ड कप. जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, मेंस T20 वर्ल्ड कप. एक बार डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे. डिटेल्स हैं, ICC ने दुनिया में कोरोना वायरस को बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है. और ऑस्ट्रेलिया में होने वाले जो T20 वर्ल्ड कप था
जो कि अगले साल के लिए रद्द कर दिया गया है। इट मीन्स जो T20 2020 जो होना था वो ऑस्ट्रेलिया में होना था, जिसे कि रद्द कर दिया गया है कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखकर। और ICC T20 वर्ल्ड कप को अब जो है 2021 अक्टूबर नवंबर में आयोजित किया जाएगा। और ICC T20 वर्ल्ड कप के जो है स्थगित होने के कारण के चलते जो है इंडियन प्रीमियर लीग IPL को जो है के जो आयोजन के दरवाजे खुल गए हैं। इट मीन्स अब जो है ICC ने जो है T20 वर्ल्ड कप को जो स्थगित करने की वजह से जो है इंडियन IPL के जो आयोजन है उसके दरवाजे खुल गए हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व बैडमिंटन संघ ने अध्यक्ष पद के कार्यकाल को निम्न में से कितने बार जो है के लिए सीमित करने का फैसला लिया है? ऑप्शन है 7 बार के लिए, 8 बार के लिए, 10 बार के लिए या 4 बार के लिए। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, 4 बार के लिए। जो विश्व बैडमिंटन जो संघ है उसने उसके जो अध्यक्ष पद के जो कार्यकाल है उसको जो है 4 साल जो है 4 बार के लिए जो है सीमित करने का फैसला लिया है। इसी के साथ एक बार डिटेल्स सीखेंगे। डिटेल्स है, विश्व बैडमिंटन महासंघ ने अपने अध्यक्ष के जो कार्यकाल है उसे अधिकतम जो है 4 बार के लिए सीमित कर दिया है। और साथ ही अपनी वार्षिक आम बैठक में अपनी परिषद में जो है भौगोलिक और लैंगिक प्रतिनिधित्व को भी लागू करने के लिए स्वीकृति दी है। और 18 जुलाई को इन जो हुई ऑनलाइन AGM के दौरान जो है WF सदस्यों ने संविधान में बदलाव को स्वीकृति दी, जिससे कि परिषद में प्रत्येक जेंडर को कम कर से जो है कम से कम 30% जो है प्रतिनिधित्व और प्रत्येक महाद्वीप क्षेत्र से एक प्रतिनिधि जो है चुने जाने की सुनिश्चित हुआ है। और यह फैसले जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के हाल ही में राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों को दे दिए गए निर्देशों के अनुसार है, जिसमें कि 2020 तक जो है फैसले लेने की प्रक्रिया में लैंगिक समानता बनाने में को कहा गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार क्षत्रिय योजना शुरू की है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, उत्तर प्रदेश। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हाल ही में नवीन रोजगार क्षत्रिय योजना का शुभारंभ किया है। और दरअसल मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के विकास और उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए इस योजना की शुभारंभ किया है। और करोड़ों रुपये इस दौरान लाभार्थियों को ट्रांसफ़र किए गए हैं। और 3484 लोगों को लगभग 17.42 करोड़ रुपए की जो धनराशि ट्रांसफ़र की गई है। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि समाज का हर तबका मजबूत होना चाहिए और सभी का जो है समान अवसर मिलना भी चाहिए। इसी के साथ एक बार मैप में नज़र डालेंगे। मैप में जैसे कि देख पाएंगे उत्तर प्रदेश देख पाएंगे, जो कि यहाँ पर आपका भारत में स्थित है और जो कैपिटल है इसकी वो है लखनऊ। और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल हैं और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। लखनऊ जैसे कि देख पाएंगे यहाँ पर स्थित है। और उत्तर प्रदेश जो अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है वो उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यहाँ हरियाणा से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। और इंटरनेशनल में देखा जाए तो ये नेपाल से भी अपने बॉर्डर को शेयर करता है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में किस राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई है? ऑप्शन है नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान या डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है बी, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है 108 जानवरों की मृत्यु हो गई है। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देखेंगे। डिटेल से असम सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में जो है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 108 जानवरों की मौत हो गई है। और इस पार्क की जो स्थापना हुई थी वो 1905 में आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में की गई थी और 1950 में इसका नाम बदलकर कांजीरंगा वन्य अभयारण्य कर दिया गया था। और 1974 में भारत सरकार ने इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित भी कर दिया था। उद्यान का जो अधिकांश हिस्सा है पानी में डूबने की वजह से जानवरों को भोजन की समस्या भी उत्पन्न हो गई है।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को कितने लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है? ऑप्शन है 55 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 35 लाख रुपए या 45 लाख रुपए। जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 25 लाख रुपए। एक बार डिटेल देख लेते हैं। डिटेल से, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़े फैसले में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए 25 लाख रुपए का जो बीमा कवर मंजूरी प्रदान की है, और आतंकवादी घटना के मौत होने पर यह राशि संबंधित प्रतिनिधि की जो है परिजनों को मिलेंगी। और सरकार के फैसले से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्य, सरपंच जो है पंच और बीडीसी अध्यक्ष के साथ ही शहरी स्थानीय निकाय को निर्वाचित सदस्य के ये बीमा कवर की सुविधा दी जाएगी। जो ये सुविधा जो पंचायती राज संस्थाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं, लाइक जैसे कि सरपंच जो पंच और बीडीसी जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा, जैसे कि साथ ही जो है शहरी स्थानीय निकायों के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा ये बीमा कवर की सुविधा जो है दी जाएगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है? ऑप्शन है रूस, जापान, ब्रिटेन या बांग्लादेश। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन ने जो है हांगकांग के साथ जो है प्रत्यर्पण जो है व्यवस्था को निलंबित कर दिया है। इसी के साथ एक बार डिटेल देखेंगे। डिटेल से, चीन द्वारा हांगकांग पर नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाए जाने के बाद जो है ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक रॉग उसके जो है हांगकांग के जो है डोमिनिक रॉग वहां पर नियुक्त हैं अभी, और उनके साथ जो है ब्रिटेन की प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया गया है। चीन के साथ जो है तनाव बढ़ने के बीच ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कहा है कि पहले की तरह अब चीज़ें नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार जो है हांगकांग में नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के लिए के चीन के निर्णय को की जो है पहले ही आलोचना कर चुके हैं। जो प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है उन्होंने सरकार जो है हांगकांग की जो सरकार है में जो नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की जो चीन में निर्णय लिया गया था उस पर पहले ही अपनी आलोचना को जाहिर कर चुके हैं। और चीन द्वारा जून में हांगकांग के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के दायरे में लिए जाने से अब वहाँ पर कोई प्रदर्शन या सरकार विरोधी बयान दंडनीय अपराध बन गया है। इट मीन्स अगर वहाँ पे कोई भी प्रदर्शन या सरकार के विरोध में कोई भी बयान दिया जाता है तो वो दंडनीय बन चुका है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वह विकास शुल्क और अवसंरचनात्मक विकास शुल्क की लंबित देयताओं की एक मुश्त वसूली के लिए समाधान से विकास नामक योजना शुरू की है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब या हरियाणा। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, हरियाणा। एक बार इसी के साथ डिटेल देखेंगे। डिटेल से, इस योजना को केंद्रीय योजना विवाद से विश्वास के तर्ज पर विकसित किया गया है, और इस योजना के समान ही जो है वर्ष 2018 में वाह्य विकास शुल्क पूर्ण निर्धारण नीति प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया था। और हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्रों के नियमन 1976 के अनुसार जो है एक लाइसेंसधारी भवन निर्माता को वाह्य विकास शुल्क का जो है भुगतान तय मानदंडों के आधार पर करना होगा। और अवसंरचनात्मक विकास शुल्क यह भवन निर्माताओं द्वारा राज्य में प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के विकास हेतु भगवान के जो है भुगतान किए जाने वाले शुल्क हैं। इसी के साथ एक बार मैप पर नज़र डालेंगे। जैसे कि मैप में देख पाएंगे हरियाणा जो आपको स्थित है वो यहाँ पे देख पाएंगे, ये इस प्रकार से हरियाणा स्थित है। और जो इसका स्टेट बना था वो 1 नवंबर 1966 में बना था। जो चीफ मिनिस्टर यहाँ के मनोहर लाल कट्टर जी हैं, जो गवर्नर हैं आपके सत्यदेव नारायण आर्य हैं। कैपिटल जो है वो है चंडीगढ़ जैसे कि देख पाएंगे, जो कि इस प्रकार से यहाँ पे स्थित है। चंडीगढ़ जो है यहाँ पे पंजाब की भी कैपिटल है। और लार्जेस्ट सिटी देखी जाए तो वो है फरीदाबाद। जैसे कि देख पाएंगे हरियाणा अपना जो बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पे देख पाएंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और यहाँ पर पंजाब से भी अपना बॉर्डर को शेयर करता है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिंद महासागर में पहली सुपर जॉइंट आइसोपॉड प्रजाति बाथिनोमस रॉक्सास की जो है खोज की है? ऑप्शन है सिंगापुर, चीन, रूस या नेपाल। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को सभी जो है कमेंट बॉक्स में अटेंड करेंगे, और जो इसका लास्ट क्वेश्चन जो इसका करेक्ट आंसर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि लिए गए थे 22 जुलाई 2020 से। सो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।